अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कन्वॉल्व करना। दो सिग्नल्स हमारे पास मौजूद होंगे, इन दोनों को हम कन्वॉल्व करना चाहते हैं। कन्वॉल्व यानी एफ ऑफ एक्स का सिग्नल है, उसको हम कन्वॉल्व करना चाहते हैं जी ऑफ एक्स के सिग्नल के साथ। तो फॉर्मूला इसका ये है, माइनस इन्फिनिटी से इंटीग्रेट चलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टॉ इंटू जी ऑफ एक्स माइनस टॉ को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टॉ। ये तो कंटिन्यूस सिग्नल की बात है। व्हाट इफ अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल हो तो काउंट स्टार्ट होगा k इज इक्वल टू जीरो से और चलेगा सम होने के बाद n माइनस वन स्टेट तक। याद रखिएगा, मैटलैब जो काम करता है वो वन से स्टार्ट करता है काउंट, और वन और जो सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है उसका काउंट जीरो से स्टार्ट होता है। इसी वजह से जीरो से स्टार्ट होने के बाद n माइनस वन तक काउंट जाएगा और उसके अंदर f ऑफ k को हम मल्टीप्लाई करेंगे g ऑफ n n माइनस k से। n का मतलब है नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्ट। ओके, अब हमारे पास है f ऑफ ओमेगा। याद रखिएगा, पूरे नोट्स के अंदर आपको मिलेगा कैपिटल f एंड स्मॉल f। कैपिटल f रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन को, स्मॉल f रिप्रेजेंट करता है स्पेशल डोमेन को। कैपिटल f f इंटू ओमेगा इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें लेना है सिग्नल एफ का जो कि टाइम डोमेन के अंदर मौजूद है, और ओमेगा रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। ये एक सिग्नल है। दूसरा सिग्नल हमारे पास मौजूद है जी ऑफ ओमेगा। जी ऑफ ओमेगा को फोरियर लें किसका, एफ जी ऑफ एक्स जो कि स्पेशल डोमेन का सिग्नल है। उसको जब हम फोरियर से गुजारते हैं तो अल्टीमेटली उसका आंसर आता है कैपिटल जी एन ओमेगा। ओके, अगर हम f स्टैरिक ऑफ g यानी अगर स्पेशल डोमेन को कन्वॉल्व करें इन द प्रेजेंस ऑफ फोरियर तो हमारे पास अल्टीमेटली उसका आउटपुट आता है f ऑफ ओमेगा एंड g ऑफ ओमेगा। इसको हमें इस तरीके से प्रूव किया कि हमारे पास f इनटू g x है ओमेगा के साथ। यानी देखिएगा, हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, इन दो सिग्नल्स में माइनस ओमेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, अगेन माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल है f का और दूसरा सिग्नल है g का। तो ये f ऑफ tau into g ऑफ x माइनस tau into d tau। अल्टीमेटली यहाँ पे हमने एक वैल्यू कंसीडर की कि लेट रिप्लेस y किसको, y इज इक्वल टू x माइनस t। यानी इस x माइनस t को हमने रिप्लेस कर दिया y के साथ। अगर हम x की वैल्यू को रिप्लेस करें तो x इज इक्वल टू y प्लस tau हो जाएगा। जब हम इसका डेरिवेट लेते हैं तो ये आ जाएगा d ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ y के बराबर। ओके, तो अब आपके पास इस सवाल में जहां पे x माइनस टॉ था हमने वहां पे उसको y से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास dx था तो हमने dx को dy से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे x मौजूद था, हमने इस x को रिप्लेस कर दिया y प्लस टॉ से। अब हमने अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, यानी f ऑफ टॉ को हम अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, g ऑफ y को हम अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जब हम इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर निकालते हैं तो अल्टीमेटली f ऑफ ओमेगा जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है और g ऑफ ओमेगा जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है। यही हमें प्रूव करना था। व्हाट इफ अगर हमारे पास f ऑफ ओमेगा है और g ऑफ ओमेगा मौजूद है, हम इसका इनवर्स लें, इनवर्स ऑफ g स्टैरिक f स्टैरिक g ऑफ ओमेगा, तो अल्टीमेटली हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से अगेन चले जाते हैं स्पेशल डोमेन की तरफ जो कि f ऑफ x और g ऑफ x हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि जब हम एक डोमेन में कन्वॉल्व की बात करते हैं, हमारे पास दो डोमेन होंगे, एक टाइम डोमेन होगा दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा। जब हम टाइम डोमेन के अंदर कन्वॉल्व की बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बाय कन्वॉल्व की बात करते हैं तो टाइम डोमेन में बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन होगी, और अगर हम टाइम डोमेन में कन्वॉल्व की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन होगी। इस बात का नोट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। कन्वोल्यूशन इन वन डोमेन इज इक्वल टू एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन इन अनदर डोमेन। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं तो डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर भी हम कन्वॉल्व करते हैं। f स्टैरिक ऑफ g ऑफ n एलिमेंट के सिग्नल को जब हम कन्वॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है f ऑफ k और g ऑफ k का। ठीक है, अब हम इसके बाद एक दूसरी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास ओरिजिनली जो सिग्नल था वो स्पेशल डोमेन के अंदर सिग्नल था f ऑफ n और g ऑफ n। हमें अल्टीमेटली f ऑफ n और g ऑफ n को कन्वॉल्व ही करना है। एक तरीका तो है डायरेक्ट,
यानी एफ ऑफ एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन को आप डायरेक्ट कन्वॉल्व कर दें और उसका आंसर दे दें एफ डायरेक्ट ऑफ जी। एक दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीके के अंदर हम ये करते हैं कि पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म के यानी एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, उससे हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ के एन कैपिटल जी ऑफ के आता है, उसको फिर हम कन्वॉल्व करते हैं। देखिएगा इसके बीच में स्टॉप स्टैरिक है या फुल स्टॉप है, यानी कन्वॉल्व करना, और कन्वॉल्व करने के बाद हम इसका आई एफ एफ टी लेते हैं यानी इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। जब हम लेते हैं तो अगेन हमारे पास स्पेशल डोमेन का सिग्नल आता है। तो हमने ये पूरा एक लंबा चक्कर इसलिए लिया कि अगर हम डायरेक्ट अप्रोच की तरफ जाएं तो मैथमेटिकली ये एन स्क्वायर है, यानी ये पॉलिनोमियल का फंक्शन है। पॉलिनोमियल का मतलब अगर हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। और ये वाला जो दूसरा तरीका है ये है ऑर्डर एन लॉग एन का, और इसका ऑर्डर है एन स्क्वायर। एन लॉग एन का मतलब ये हुआ, मान लें नोट द डायरेक्ट मेथड जो कि ये वाला मेथड है उसकी पावर है 2। अगर हमारे पास 256 इमेजेस मौजूद हैं तो हम इन 256 इमेजेस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 65,536, जो कि बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। अगर हम इस टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो है एन log of n। अब n log of n यानी 256 logarithmic of 256 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 616 iterations की बात आती है, जो कि वेरी मच लेस कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट अप्रोच। इसी वजह से जब हम कैपिटल इक्विपमेंट यानी सीटी स्कैनर या एमआरआई की बात करते हैं तो जो हमारा सिग्नल जनरेट होता है उस सिग्नल को वो मशीन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करती है यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म से कन्वर्ट करती है अगेन स्पेशल डोमेन के अंदर, और फिर वो रिजल्ट हमें नजर आता है। दोस्तों अब हम इस पूरी एक्सरसाइज को मैटलैब पे इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि मैटलैब इसका आउटपुट हमें क्या देता है। हमने यहां पे सीएलसी और क्लियर कॉमा सीएलसी लिखा। अब जरा देखिएगा हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं एनडी ग्रिड। हम इस एनडी ग्रिड को चलाते हैं F9 दबाया। दोस्तों अब हम इस कन्वॉल्व की चीजों को मैटलैब में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये मैटलैब पे एक्चुअली नजर कैसे आता है। एनडी ग्रिड मैटलैब का एक फंक्शन है, ये काम किस तरीके से करता है। R स्टैंड फॉर द रॉ, एन सी स्टैंड फॉर द कॉलम, यानी एनडी ग्रिड -2 से +2 के अंदर, यानी रॉ के अंदर -2 से डेटा +2 के अंदर लिखें। सिमिलरली सी स्टैंड फॉर द कॉलम, कॉलम के अंदर डेटा -3 से +3 की तरफ लिखें। अगर हम इसको प्ले करें इतने हिस्से को कॉपी करें और यहां पे आके पेस्ट करें और एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास रॉ के अंदर -2, ये देखिएगा ये -2 से पूरा डेटा अरेंज्ड है, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2। सिमिलरली जब हम सी की बात करते हैं तो सी के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो -3, देखिएगा ये कॉलम के अंदर -3 -2 -1 0 फिर 1 2 एंड 3। इस तरीके से हमारे पास डेटा अरेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एनडी ग्रिड। अब हम एनडी ग्रिड के अंदर फंक्शन के अंदर -128 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं रॉ की और +127 तक जाते हैं। सिमिलरली कॉलम के अंदर हम -128 से स्टार्ट करके +127 तक जाते हैं और इस चीज को हम प्ले करते हैं कॉपी और यहां पे आके हमने पेस्ट किया और एंटर दबाया तो आप देखते हैं कि वर्क स्पेस के अंदर अब हमारे पास कॉलम के अंदर यानी सी के अंदर 256 वैल्यूज मौजूद हैं। सिमिलरली रॉ के अंदर हमारे पास 256 वैल्यूज मौजूद हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली रॉ के अंदर जो डेटा मौजूद है वो नजर कैसे आता है, विजुअलाइज अगर हमें करना हो तो आई एम शो ऑफ आर कंट्रोल वर्क स्पेस में आके पेस्ट एंटर दबाएं तो आपके पास एक पिक्चर ओपन अप हो जाएगी जो कि है ये। हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हो गई जिसके अंदर हमारे पास कॉलम के अंदर ब्लैक है और फिर व्हाइट मौजूद है, तो इसका मतलब हमारे पास ये डेटा ब्लैक और व्हाइट का स्ट्रिप्स आने लगा। सिमिलरली
अगर हम इस पिक्चर को यहां से क्लोज करते हैं और हम यहां पे कहते हैं आई एम शो ऑफ सी, आई एम शो ऑफ सी को अगर हम कॉपी करके पेस्ट करें तो इसके अंदर हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट बैंड की शक्ल में आने चाहिए, कॉलम की शक्ल में आने चाहिए। तो देखिएगा यहां पे हमारे पास ये दोनों चीजें कॉलम की शक्ल में आ रही है। अब हमारे पास देखिएगा हमने रॉ एंड कॉलम के अंदर वैल्यूज रिकॉर्ड कर दी। अब हम एक नया वेरिएबल कॉल करते हैं जिसका नाम है डी। डी स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस कॉलम का स्क्वायर। ये फुल स्टॉप इंडिकेट करता है ये बाय एलिमेंट स्क्वायर होगा। डी को हमने लिया कंट्रोल सी, वर्क स्पेस में आके कंट्रोल वी इंटर। तो आप वर्क स्पेस में देखेंगे डी एक डी के अंदर 256 बाय 256 वैल्यूज आने लगी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अगर हमें डी को शो करवाना हो कि डी के अंदर क्या चीज नजर आई, तो अगेन हम कहते हैं आई एम शो ऑफ डी। आई एम शो ऑफ डी देखें तो आई एम शो ऑफ डी का आंसर आता है हमारे पास, आई एम शो ऑफ डी का आंसर हमारे पास आता है ये कंप्लीट एक वाइट इमेज। क्योंकि देखिएगा ये कंप्लीट वाइट इमेज क्यों है, क्योंकि हमने स्क्वायर करवाया है इंडिविजुअल वैल्यूज का, तो जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई और पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद ये एक हमारे पास कंप्लीट एक वाइट पिक्चर आ रही है। ठीक, अब हम ये कहते हैं कि G इज इक्वल टू डी लेस देन 15, यानी हम ये एक लॉजिकल ऑपरेटर देते हैं कि वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले करवाइएगा जिसके अंदर D की वैल्यू लेस देन 15 हो। जहां पे D की वैल्यू लेस देन 15 होगी वो हिस्सा 1 हो जाएगा, रेस्ट ऑफ सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। हमने इसको यहां से कॉपी किया, यानी इस G को हमने यहां से कॉपी किया और यहां पे आके हमने प्ले किया और इंटर दबाया। तो देखिए जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 256 बाय 256। अगर हम इस जी की वैल्यू को देखना चाहें तो जरा समझिएगा जी का लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है। अगर इस जी के लॉजिकल ऑपरेटर को मैं ओपन करूं तो देखिएगा ये सारी वैल्यू जीरो हैं। जीरो का मतलब मैटलैब में होता है ब्लैक, और जहां वैल्यू वन होगी वहां पे वो ब्राइटनेस यानी व्हाइटनेस शो करेगा। और एज पर आवर लॉजिक मैंने ये कहा है कि जी के वैल्यू किसके बराबर है, डी इज लेस देन 15। ठीक, अगर इसको मैं शो करवाना चाहूं तो कंट्रोल सी और यहां पे आके कंट्रोल वी इंटर। तो जरा देखिएगा रेस्ट ऑफ सारी वैल्यूज जीरो है यानी ब्लैक है, जहां पे डी की वैल्यू लेस देन 15 है वहां पे ये सरफेस ब्राइट हो गया। ठीक, अगर इसी चीज को मैं इस तरीके से करूं कि लेट्स से इस 15 के बदल में 25 कर दूं, तो इसको यहां से कॉपी करें और यहां पे आके प्लेस करें कंट्रोल वी, ये जी की वैल्यू अपडेट हो गई। इस जी की वैल्यू अपडेट करने के बाद अब मैं कहता हूं आई एम शो ऑफ जी, आई एम शो ऑफ जी करता हूं और एंटर दबाता हूं, तो सर्कल देखिएगा ब्राइट और बड़ा आया क्योंकि मैंने रेडियस बढ़ा दिया। पहले इसका रेडियस था 15, अब इसका रेडियस है 25। ठीक, अगेन हम जी को यहां से 15 ही के रेडियस के साथ कंसीडर करते हैं, जी की हमने सेव कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि आई FFT शिफ्ट करवाया जाए जी का। FFT शिफ्ट का लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर किया था। FFT शिफ्ट ऑफ जी, FFT शिफ्ट ऑफ जी यानी जी की वैल्यू अपडेट हो गई। अब FFT शिफ्ट ऑफ जी करेगा क्या कि जो हमारे पास एक सेंटर मून था यानी चांद, वो सेंटर मून को वो चार हिस्सों में ब्रेक कर देगा। हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये ऐसा ही नजर आता है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी आई एम शो ऑफ जी। जैसे हम आई एम शो ऑफ जी करते हैं तो आप प्लीज नोट करिएगा कि जो यहाँ पे सेंटर मून था उसको इसने चार हिस्सों में ब्रेक कर दिया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे पास जो जी के अंदर वैल्यू सेफ है हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमने इसको रन किया और अब हम ये कहते हैं कि एक फिगर कॉल करवाओ, उस फिगर के अंदर सब प्लॉट क्रिएट करवाना जिसमें पहली रॉ तीन, एक रॉ होगी तीन कॉलम होंगे, उसकी पहली पोजीशन पे क्या शो करवाना, जी शो करवाना और उसका टाइटल लिख देना सर्कल। और हम इसको कंट्रोल सी करके वर्क स्पेस में कंट्रोल वी करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास एक पिक्चर कॉल हुई जो कि है ये। इसके अंदर देखिएगा ये हमारे पास जी की पिक्चर है जिसमें सर्कल जो स्टार्टिंग में मून था वो चार कॉर्नर्स के अंदर डिवाइड हमने कर दिया। अब हम कहते हैं
एफ एक नया वेरिएबल हमने कॉल किया जिसके अंदर हम कहते हैं कि जीरोस की वैल्यूज लिखना 256 से 256 तक। ये याद रखिएगा 256 जीरोस का मतलब ये हुआ कि ब्लैकनेस, यानी अब हमारे पास एक एफ वेरिएबल है, उस एफ वेरिएबल में 256 बाय 256 वैल्यूज हैं, वो सारी जीरो है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी ब्लैक वैल्यूज होंगी। अब हम ये कहते हैं कि इस एफ वेरिएबल में 15th रॉ पे 100 में कॉलम पे जाके उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना 1 से। सिमिलरली 48th रॉ एंड 120 कॉलम पे जाइएगा और उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिएगा 2 से। इसको हम यहाँ से प्ले करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी दबाया, इंटर दबाया, ठीक है। अगर हम ये देखना चाहें कि वाकई हमारे पास जो एक एफ था उसमें दो इम्पल्सिस आई हैं कि नहीं, तो हमने कहा फिगर और उसमें शो करवा दीजिएगा एफ। ये हमने यहाँ से कंट्रोल किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया और चलाया, तो जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे आपको ये दो इम्पल्सिस नजर आ रही हैं। ये पहली इम्पल्स जिसकी इंटेंसिटी 1 होगी और ये दूसरी इम्पल्स जिसकी इंटेंसिटी 2 होगी। कंप्लीट पूरा कैनवस ब्लैक है जिसमें दो इम्पल्सिस हमारे पास मौजूद है। अब हम ये कहते हैं कि इस एफ का आप एफ एफ टी लें। इस एफ का हमने एफ एफ टी लिया और हमारे पास उसकी एक जगह पे वैल्यू सेव हो गई। और अब हम ये कहते हैं कि अब आप सब प्लॉट जो हमारे पास था उसके अंदर एक रॉ 3 कॉलम उसकी सेकंड पोजीशन पे आप उस इम्पल्स की इमेज प्लॉट कर दीजिएगा। हमने यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी दबाया, तो हमारे पास ये जो पहले वाली पिक्चर थी ये पहले वाली पिक्चर अपडेट हो जाएगी। और देखिएगा यहाँ पे ये इम्पल्सेस आने लगे, ये एक इम्पल्स आई और वैसे यहाँ पे दूसरी भी इम्पल्स होगी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास F को कन्वॉल्व कर दिया जाए किसके साथ, G के साथ। जो हमारे पास F का सिग्नल है उसको G के साथ कन्वॉल्व कर दें। हमने ये कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, ये कन्वॉल्व हो गया। हमारे पास जो फिगर नंबर 1 थी उस फिगर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट रॉ 3 कॉलम और उसकी थर्ड पोजीशन पे क्या शो करवाइएगा, F कन्वॉल्व ऑफ G, और उसका टाइटल लिख दीजिएगा F स्टैरिक ऑफ G। जब मैं इसको प्ले करता हूं तो हमारे पास इसका आउटपुट देखिएगा ये आया। इसके आउटपुट के अंदर क्या है, इसके आउटपुट के अंदर ये है कि हमारे पास स्टार्टिंग में ये मून था, इस मून के चारों हिस्से हुए और ये जब चारों हिस्से इन पल्सेस इस इम्पल्सिस पे आते हैं तो ये मून इन इम्पल्सिस पे आने के बाद इस तरीके को कन्वॉल्व यानी इस तरीके की शेडिंग कर देता है। अगर हम इसकी वैल्यू को देखना चाहें, इंडेक्स वैल्यू को देखना चाहें, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आ रही है इसकी 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहली इम्पल्स 1 थी और दूसरी इम्पल्स हमारे पास कितनी थी 2, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 आ रही है। मगर ये दोनों एक जगह पे आके मर्ज हो रहे हैं यानी ओवरलैप्ड हो रहे हैं, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू आ रही है इस पोजीशन पे 3। तो ये एक्चुअली कन्वॉल्व का काम करता है, यानी आपके पास ये दोनों इमेज थी, इन दोनों इमेज को जब आप कन्वॉल्व करते हैं तो कन्वॉल्व करने के बाद ये दोनों इमेज को आपस में मिला देता है और इकट्ठा कर देता है। ये हमारे पास एक हिस्सा था। अब इसी टेक्निक को अगर हम लेट से ब्रेन सिटी स्कैन अगर हम ब्रेन कर लेते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने ये कहा कि F2 एक नया वेरिएबल कॉल करवाया जिसमें मैंने रीड करवाया ब्रेन सिटी स्कैन को, कंट्रोल सी यहाँ पे आके कंट्रोल वी, और मैं उस ब्रेन सिटी स्कैन को देखना चाहता हूँ, तो मैंने कहा एक फिगर कॉल करो जिसमें आई एम शो करवा देना ब्रेन सिटी को। तो देखिएगा ये मेरे पास ब्रेन सिटी की इमेज है। अब मैं इसको कन्वॉल्व करवाना चाहता हूँ, इसको कन्वॉल्व करवाने के लिए मैंने ये कहा कि हम इस पूरे सिग्नल में से सारी रॉ सारे कॉलम कंसीडर करते हैं और उसकी पहली इंडेक्स वैल्यू कंसीडर करते हैं, उसके बाद उस सिग्नल का हम FFT2 लेते हैं, यानी अब F2 स्मॉल F2 कन्वर्ट हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, कंट्रोल सी यहाँ पे आके कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि F2 को कन्वॉल्व करते हैं G के साथ जो कि हमारे पास पहले से एक मौजूद फंक्शन था, तो F2 को जब हम कन्वॉल्व करते हैं G के साथ तो उसकी एक वैल्यू आ जाएगी जो F कन्वॉल्व ऑफ G के अंदर होगी, ठीक है। अब हम एक नई फिगर कॉल करते हैं जो कि फिगर नंबर 2 होगी, उसमें एक रॉ 2 कॉलम होंगे, उसकी पहली पोजीशन पे ब्रेन सिटी आ जाएगा और दूसरी पोजीशन पे वो कन्वॉल्व का सिग्नल आएगा। जब हम इसको प्ले करते हैं तो हमारे पास ये इमेज आई, जरा देखिएगा ये ब्रेन सिटी की इमेज है। हर पॉइंट को वो 15 डाय के सर्कल के साथ दूसरे पॉइंट से कन्वॉल्व कर रहा है, इसी वजह से जैसे ब्लरिंग इफेक्ट कॉज हुआ था वैसे ही यहाँ भी ये ब्लरिंग इफेक्ट कॉज हुआ और ये दो इमेज हमारे पास कन्वॉल्व होने के बाद इसका आउटपुट ये आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।